हबुका किचन में आज हम कैटरिंग स्टाइल चिकन सिजलर बिरयानी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चिकन सिजलर बिरयानी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चिकन सिजलर बिरयानी बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। 600 ग्राम बोनलेस चिकन को लंबी और पतली स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, एक बड़ा चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, दो बड़े चम्मच तंदूरी मसाला, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, एक छोटा चम्मच व्हाइट मरी पाउडर, एक चुटकी रेड फूड कलर, एक अंडा और तीन बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। चिकन को आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर चिकन को क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई करेंगे। इसी तरह से सारे चिकन के पीस को फ्राई करके रेडी करेंगे। अब जिस बर्तन में बिरयानी बनानी है उसी बर्तन में तीन बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, एक बड़ा चम्मच बटर, एक छोटा चम्मच जीरा, चार से पांच हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, चार से पांच लविंग, आठ से दस मरीदाना, दो से तीन टुकड़े तज, दो बादियन के फूल और एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करके 8 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। 8 से 10 सेकंड फ्राई करने के बाद चार मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक, एक बड़ा चम्मच तंदूरी मसाला, एक बड़ा चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, दो बड़े चम्मच सेजवान सॉस, दो बड़े चम्मच टमाटो केचप और दो बड़े चम्मच रेड चिली सॉस ऐड करके मीडियम फ्लेम पर ड्राई होने तक भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पर भून लेने के बाद ये ड्राई हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो अब हम इसमें एक कप दही ऐड करेंगे और एक कप तली हुई प्याज यानी के बिरस्ता ऐड करके मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। ग्रेवी को अच्छी तरह से भून लेने के बाद फ्राई किया हुआ चिकन ऐड करेंगे और 3 से 4 बड़े चम्मच जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम चिकन को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। ग्रेवी को अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हम इसमें एक मीडियम साइज का येलो कैप्सिकम, एक मीडियम साइज का ग्रीन कैप्सिकम और एक मीडियम साइज का रेड कैप्सिकम ऐड करेंगे। कैप्सिकम ऐड करने के बाद इसे ज्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 8 से 10 सेकंड के लिए इसे भूनेंगे। अब चिकन सिजलर बिरयानी को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसे स्मोक देंगे। चारकोल को गरम करके एक छोटा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए स्मोक देंगे। स्मोक देने के बाद इस पर राइस ऐड करेंगे। आधा किलो बासमती राइस को वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। नमक और तेज पत्ता ऐड करके इसे 80% तक बॉईल कर लिया था और 20% बिरयानी दम पर रखकर कुक करेंगे। अब राइस पर येलो फूड कलर, ग्रीन फूड कलर और थोड़ी तली हुई प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। अगर आपको चिकन सिजलर बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।